हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त संजय कुमार स्वामी। स्वागत है आपका एक बार फिर से। हम बात कर रहे हैं बेसिक फोटोशॉप सीरीज के अंदर। आज हम शुरू करेंगे एक्शन। आप दोस्तों के खूब सारे मुझे कमेंट आए हैं एक्शन के लिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कमेंट करने के लिए। आप सबने पूछा है कि एक्शन किस तरह से बना सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपके काम खुद का पर्सनल काम है, यानी कि कभी कभार एक दो फोटो बनानी रहती है, ऐसे ही शौक से फोटोशॉप सीख रहे हैं, तब तो एक्शन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। वो सिर्फ सीखने के हिसाब से आप सीख लें। लेकिन अगर आप रेगुलर ज़्यादा काम करते हैं या फिर एक ही काम बार बार रिपीट करते हैं, तो आपके लिए एक्शन ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। एक्शन क्या करता है, हमारे बार बार कोई भी हम कोई इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, कमांड दे रहे हैं फोटोशॉप के अंदर, उन सबको एक्शन के अंदर समेट करके एक साथ हम उनको रन करवा सकते हैं। इससे हमें बहुत आसानी होगी। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं, मान लीजिए आपके पास में 500 फोटो है, सभी फोटो आपने निकाले। अब चाहते हैं कि सब के सब 500 फोटो की साइज छोटी सी हो जानी चाहिए। अब 500 फोटो की आप एक एक करके फोटो की साइज छोटी करेंगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा, जबकि एक्शन बना करके उसको सेट करके आप 2 मिनट के अंदर सब फटाफट कंप्यूटर कर देगा सबकी साइज छोटी। ये सब हम कैसे करेंगे, एक्शन की मदद से हम सीखेंगे। ये एक्शन का वीडियो नंबर पार्ट 1 है। पार्ट 2 भी देखें और उसके बाद में भी देखें। हम 2-3 वीडियोज के अंदर एक्शन के बारे में ही बात करने वाले हैं। तो एक्शन क्या करता है, हमारे काम को आसान कर देता है। जैसे कि वेडिंग हेलो हम डिजाइन करते हैं, उसके अंदर एक ही शीट के अंदर हमें क्या करना पड़ता है, बार बार फोटो ओपन करने का काम रहता है, फोटो के अंदर करेक्शन कलर बैलेंस वगैरह करने का रहता है, फोटो को हम जहाँ पे लाकर रखना चाहते हैं किसी बॉक्स के अंदर, वो सेम काम होते हैं, वो हम एक्शन के थ्रू कर सकते हैं। इसके अलावा स्टूडियो के अंदर, मान लीजिए आपका स्टूडियो है तो आप पासपोर्ट साइज फोटो बनाते हैं या फिर बैकग्राउंड चेंज करते हैं किसी फोटो का, तो एक ही काम हर फोटो के अंदर करना रहता है। मान लीजिए 10 फोटो आपने स्टूडियो में निकाले, उन सभी को बैकग्राउंड चेंज करके 4:6 के अंदर फ्रेम लगा करके सेट करना है, तो ये एक काम हो गया एक फोटो के ऊपर। सेम काम दूसरी पर, सेम काम तीसरी पर, तो ये सब काम आसान तरीके से हम जिससे भी कर सकते हैं, वो है हमारा फोटोशॉप के अंदर एक्शन। दोस्तों एक्शन की शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ यहाँ पर, जो एक एक्शन मैंने बनाया है और एक फोटो के ऊपर हम उसको अप्लाई करेंगे। तो देखिए एक्शन हमारा किस तरह से टाइम बचाता है और फास्ट वर्क हम एक्शन से कर सकते हैं, ये एक एग्जाम्पल आप पहले देखिए, फिर उसके बाद में हम एक्शन की शुरुआत करते हैं। चलिए अब एक्शन को किस तरह से यूज़ में लेते हैं मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर। ये एक्शन नाम से एक बटन है, एक्शन का बटन है, इसको हम यूज़ में लेंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले यहाँ पर इस फोटो के ऊपर इसको क्लिक कर रहा हूँ, एक्शन के ऊपर। जैसे ही मैं क्लिक करूँगा ये क्रॉप करने का हमें पूछ रहा है, तो मैं इसको यहाँ पर इस तरह से, ये कैसे मैं कर रहा हूँ ये सब बाद में आपको बताऊँगा, पहले एक एक्शन दिखा रहा हूँ जो कि मैंने इन सबको यूज़ करके बनाया है। इसके ऊपर हम डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पर डबल क्लिक करते ही क्रॉप हो गया और हमें पूछ रहा है आप लेवल कितना सेट करना चाहते हैं फोटो के अंदर। ओके करेंगे, ओके करने के बाद में यहाँ पर हमें पूछ रहा है कर्व आप एडजस्ट करना चाहते हैं नहीं करना चाहते, ओके करेंगे। फिर हमें पूछ रहा है कलर बैलेंस का, आप कलर बैलेंस करना चाहते हैं नहीं करना चाहते हैं, जो भी करें कलर बैलेंस करने के बाद में आप यहाँ पर ओके करें। उसके बाद में पूछ रहा है मैक कटिंग सिलेक्शन, फोटो के अंदर आप कटिंग करना चाहते हैं तो स्टॉप करें। स्टॉप करने के बाद आप यहाँ पर कटिंग कर सकते हैं फोटो की कोई भी टूल से। मैं यहाँ पर मैजिक बैंड टूल सिलेक्ट कर रहा हूँ, उससे इस तरह से सिलेक्शन बना रहा हूँ। सिलेक्शन करने के बाद में वापस मैं इस बटन के ऊपर यहाँ पर क्लिक करूँगा। क्लिक करते ही हमें पूछ रहा है आप बैकग्राउंड कौन सा लेके आना चाहते हैं, बैकग्राउंड हम ये लेके आ गए। यहाँ पर इस बैकग्राउंड को एडजस्ट आप इस तरह से कर सकते हैं। एडजस्ट करने के बाद में आप यहाँ पर डबल क्लिक करें या कीबोर्ड का एंटर बटन दबाएं, मैं यहाँ पर डबल क्लिक कर रहा हूँ। फिर उसके बाद में बैकग्राउंड के ही सिचुएशन के बारे में पूछ रहा है कितना आप रखना चाहते हैं, किस तरह से रखना चाहते हैं, सिचुएशन एडजस्ट करेंगे फिर ओके करेंगे। फिर हमें लेवल पूछ रहा है बैकग्राउंड का, तो हम लेवल एडजस्ट कर देंगे फिर ओके करेंगे। तो हमें पूछ रहा है कि वांट इरेज हेयर, यहाँ पर जो हेयर के पास में वाइट कलर दिख रहा है इरेज करना चाहते हैं तो स्टॉप करें। और जैसे कि मैंने आपको बैकग्राउंड इरेज टूल से इस तरह से इरेज करना बताया था, आप वो वीडियो ज़रूर देखें, टूल बार के अंदर मैंने बनाया था, उसके अंदर देख करके आप सीख सकते हैं। फिर हम क्या करेंगे यहाँ पर इस तरह से इस टूल की मदद से यहाँ पर इरेज करेंगे, यहाँ पर जो वाइट वाइट आपको दिख रहा है हेयर के पास में। उसके बाद में जैसे ही मैं इस बटन के ऊपर क्लिक करूँगा, यहाँ पर ये कह रहा है क्या आप बैकग्राउंड को ब्लर करना चाहते हैं, कितना ग्रेशियन ब्लर यूज़ करना चाहते हैं,
ये हम यहाँ से गॉसियन ब्लर सेट करेंगे, फिर ओके करेंगे। फिर हमें पूछ रहा है कि शार्पन यूज़ करना चाहते हैं, तो यहाँ पर स्टॉप कर देंगे। अगर कहीं पर भी आप फोटो को शार्प करना चाहते हैं तो इस टूल को यूज़ करके इस तरह से शार्प कर सकते हैं, ऑटोमेटिकली टूल आ जाएगा। फिर बटन के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे, ये पूछ रहा है कि फेस के ऊपर किसी तरह का मेकअप या लिप्स का मेकअप करना चाहते हैं, तो स्टॉप करें और यहाँ पर कर सकते हैं। टूल ऑटोमेटिकली हमारे पास में आ जाएगा और इस तरह से आप यहाँ पर कर सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर गालों के ऊपर कर देते हैं। उसके बाद में वापस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, पूछ रहा है कि आप आई मेकअप करना चाहते हैं, स्टॉप करेंगे और यहाँ पर इस तरह से हम मेकअप कर देंगे। फिर ओके करेंगे बटन के ऊपर, फिर से वापस क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही पूछ रहा है बैकग्राउंड अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो वापस लेके आ सकते हैं बैकग्राउंड को। तो बैकग्राउंड यहाँ पर वापस आ गया है और आप इसको यहाँ से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं कितना आप रखना चाहते हैं। फिर डबल क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करते ही पूछ रहा है इसको आप भी आप यहाँ से इसको आप विशन ब्लर देना चाहते हैं, यहाँ से कितना देना चाहते हैं, ये इस तरह से यहाँ से सेट करें। फिर ओके करेंगे, जैसे ही ओके करेंगे यहाँ पर ऑटोमेटिकली फोटो के अंदर बॉर्डर आ जाएगा और यहाँ पर अगर आप लोगो भी सेट करेंगे तो लोगो भी आपका आ जाएगा। और इस तरह से आपकी फ़ोटो एक एक्शन के अंदर तैयार हो जाएगी, बार बार आपको जगह जगह पर क्लिक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि एक्शन आपको खुद को बनाने आने चाहिए। अगर आपको फोटोशॉप आता है तो एक्शन बनाने तो आपको आने ही चाहिए। क्यों? क्योंकि एक्शन अगर आपको खुद को आएंगे तो अपनी इच्छा से आप एक्शन बना सकते हैं। किसी का बनाया हुआ या डाउनलोड किया हुआ एक्शन होगा, उसके अंदर आपके इंस्ट्रक्शन नहीं होंगे। हाँ ठीक है, कोई इफेक्ट देने के लिए या फिर इस तरह के कोई पासपोर्ट साइज फोटो के कुछ कॉमन एक्शन जो हो गए वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मान लीजिए आपको एक ही तरह की कोई स्पेशल टाइप की फोटो बनानी है जो आपके दिमाग में आ गया, तो आप कैसे बनाएंगे? उसका एक्शन तो आप खुद ही बना सकते हैं ना। मैं चाहता हूं आप खुद एक्शन बनाएं, सीखें, प्रैक्टिस करें। ये वीडियो देखने के बाद में आप जितने भी मैं छोटे छोटे एग्जाम्पल हूँ सबकी प्रैक्टिस करें, खूब सारी आप एक्शन बनाना सीख जाएंगे। शुरुआत करते हैं, फोटोशॉप सीसी 2015 है हमारे पास में और ये फोटो है हमारे पास में। मैंने क्या किया, यहाँ पर न्यू अनटाइटल्ड डॉक्यूमेंट लिया और वहाँ पर लेयर वन नाम से ये फोटो यहाँ पर लेके आया हूँ। अभी तक इतना ही किया है। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, विंडो के अंदर जाएंगे। यहाँ पर एक्शन आप कोई भी फोटोशॉप के अंदर, अगर आपके पास 7.0 CS के कोई वर्जन या CC है तो उनके अंदर आपको एक्शन मिलेगा। और विंडो के अंदर यहाँ पर एक्शन नाम से आपको क्लिक करेंगे तो पैनल खुलेगा। एक्शन के ऊपर क्लिक करूंगा, ये पैनल खुल गया। अब एक्शन पैनल के अंदर यहाँ पर बाय डिफॉल्ट जो डिफॉल्ट एक्शन है वो फोटोशॉप के साथ में आए हुए हैं। तो यहाँ ये जो है सेट एक्शन का, हम स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर देख रहे हैं। ये सेट है एक एक्शन का, फोल्डर जैसा जो आइकन है और इसके अंदर ये खूब सारे एक्शन है। ये ऊपर वाला जो है ये सेट है और इसके अंदर ये खूब सारे एक्शन है। और ये जैसे ये एक्शन है इसके अंदर, यहाँ से देखेंगे इसके अंदर तो ये एक एक कमांड है। कौन कौन सी कमांड है इसके अंदर, ये है। तो यहाँ पर ये जो बाय डिफॉल्ट एक्शन है इसको तो मैं यहाँ पे बंद कर देता हूँ, हम खुद के एक्शन यहाँ पर बनाएंगे। देखिए यहाँ पर नीचे जितने भी बटन है मैं आपको बता दूँ, ये है सेट बनाने का, खुद का सेट आप बना सकते हैं। मैं सेट को बना देता हूँ, संजय फोटो वर्ल्ड मैंने नाम दिया है, ओके करेंगे। ये हमारा खुद का सेट तैयार हो गया है। यहाँ पर इस सेट के अंदर आप एक्शन बना सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर खूब सारे एक्शन है वैसे ही। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद मैं इस बटन के ऊपर क्लिक करूंगा और ये है क्रिएट न्यू एक्शन का बटन, यानी कि सेट के अंदर हम रखेंगे इसके अंदर हमारे खूब सारे एक्शन। सेट मतलब कैटेगरी वाइज आप रख सकते हैं, जैसे कि पासपोर्ट साइज के एक सेट के अंदर सब आ गए और बैकग्राउंड चेंज करने के, वेडिंग एल्बम के सब एक एक सेट के अंदर आ गए। इस तरह से साइज चेंज करने के अलग आ गए, फिल्टर देने के अलग हो गए, इस तरह से। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, इस बटन के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो एक्शन वन नाम से आप यहाँ पर खुद का नाम भी यहाँ पर लगा सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। मैं एक्शन वन रख रहा हूँ, सेट संजय फोटो वर्ल्ड या फिर डिफॉल्ट एक्शन कौन से सेट में आप रखना चाहते हैं, सेट और भी बना सकते हैं आप। उसके बाद में आगे फंक्शन की, अब दोस्तों के ऐसे कमेंट आए हैं कि बाय डिफॉल्ट ऐसे क्या होता है जिससे कि हम F12 या F10 F9 ऐसे दबाएं और ऑटोमेटिकली पासपोर्ट साइज फोटो बनती है या कुछ होता है, वो कैसे होता है? वो एक्चुअली वो एक्शन से होता है। और एक्शन की यहाँ से आप जब सेट करेंगे, मान लीजिए F12 में सेट कर रहा हूँ एक्शन की, तो एक्शन की जब यहाँ से आप सेट करेंगे तो ये की दबाते ही ये एक्शन ऑटोमेटिकली रन होगा, फिर यहाँ पर प्ले नहीं करना पड़ेगा आपको, इतना सही फर्क है। हाँ याद रखें फंक्शन की यहाँ पर F12 मैंने अभी रखी है। कई फंक्शन की ऐसे होती है कि जैसे शिफ्ट के साथ F5, जिससे कि हम क्या करते हैं फील लेके आते हैं, तो अगर आप शिफ्ट के साथ F5 नॉर्मली यूज कर रहे हैं और यहाँ पर भी यही दे दिया तो दोनों एक साथ काम नहीं करेगी, एक्शन वाली फिर काम करेगी।
तो ऐसी की यूज करें जो आप बाय डिफॉल्ट जो की है उनको यूज नहीं करते हैं वो। तो मैं F12 विदाउट शिफ्ट यहां पर यूज कर रहा हूं। शिफ्ट और कंट्रोल हिसाब में सेलेक्ट करेंगे तो F12 को शिफ्ट के साथ और कंट्रोल के साथ सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं सिर्फ F12 यहां पर सेलेक्ट कर रहा हूं। कलर यहां पर कौन सा होना चाहिए, बटन का कलर की बात कर रहा है। मान लीजिए रेड हमने बटन सेलेक्ट कर दिया, रिकॉर्ड करेंगे। यहां पर जो बटन मोड है ये देखिए अभी जो एक्टिव नहीं है क्योंकि हम एक्शन रन कर रहे हैं। बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो एक्शन का कलर यहां पर आएगा, जैसे कि मैंने एग्जांपल के अंदर आपको ग्रीन कलर का एक बटन दिखाया था, तो उसके लिए है F12 यहां पर शॉर्टकट के लिए। अब हम क्या कर रहे हैं इसके अंदर, मान लीजिए एक्शन हमारा स्टार्ट है, यहां पर रिकॉर्डिंग हो रही है, ये लाल जो चिन्ह आ रहा है बता रहा है कि रिकॉर्डिंग आपकी शुरू है। तो मैं यहां पर पहले कमांड देना चाहता हूं Ctrl B, कलर बैलेंस। कलर बैलेंस आप इस तरह से यहां पर कर सकते हैं। अगर आपने बेसिक फोटोशॉप के पहले से सभी वीडियोस देखे हैं तो आप सब आपको इनके बारे में पता होगा कि कलर बैलेंस शॉर्टकट की क्या है, कैसे निकालते हैं, क्या यूज है। तो ये चीजें हम पहले ही कर चुके हैं बेसिक फोटोशॉप के अंदर। तो यहाँ पर इतना कलर बैलेंस किया, फिर ओके कर देंगे। तो क्या हुआ, इस कमांड के अंदर यहाँ सेट हो गई सारी चीजें, हमने क्या क्या करेक्शन किया है वो कलर बैलेंस। अब उसके बाद मैं देना चाहता हूँ Ctrl L, ये हमने Ctrl L से इस तरह से सेट किया, ओके। तो Ctrl L भी यहाँ पर आ गया है। फिर मैं इसको यहाँ पर स्टॉप कर देता हूँ। हमारा एक्शन तैयार हो गया, हम चाहते हैं कि फोटोज के अंदर इस तरह का यूज लेना है। तो इस एक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर प्ले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करते क्या होगा, दोनों एक्शन फिर रन हो गए, ये एक्शन यहाँ पर रन हो गए। अगर मान लीजिए आप यहाँ पर और भी कुछ एक्शन देना चाहते हैं, वापस से रन करना चाहते हैं, मान लीजिए आप इसके बाद में और कुछ कमांड देना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, वापस इस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे या वापस रिकॉर्डिंग यहीं से स्टार्ट हो जाएगी। आप कुछ और भी दे सकते हैं, मान लीजिए Ctrl M या फिर Ctrl U आप दे सकते हैं, इस तरह से फोटो के अंदर करेक्शन करना चाहते हैं, ओके करेंगे। तो ये एक और ऐड हो गया इसके अंदर। तो ये बारी बारी से बाद में आप जब चाहें दे सकते हैं। इसके अंदर मैं एक और चीज बताऊं, मान लीजिए ये रिकॉर्ड कर रहा हूं, मान लीजिए आप यहां से ओपेसिटी लेयर की कम ज्यादा करना चाहते हैं, ये कम किया ज्यादा किया, तो जैसे मैं कम ज्यादा कर रहा हूं तो यहां पर ये लाइन बनती जा रही है, हर एक छोटे छोटे कम ज्यादा करने की कमांड यहां पर आती जा रही है। आप मान ली टेस्ट ही कर रहे हैं कि ओवरले सही रहेगा या फिर सॉफ्ट लाइट या फिर लाइनियर विवाइड लाइट कौन सा सही रहेगा, लेकिन ये फिर भी यहाँ पर बारी बारी कमांड जो है वो यहाँ पर लिस्ट में आ रही है। इसका एक मैं तरीका बताऊँ, ये स्टॉप कर देते हैं, इन सभी को सिलेक्ट करेंगे डिलीट करने के लिए। इसको सिलेक्ट किया, शिफ्ट दबाया, फिर इसको सिलेक्ट किया, सब एक साथ सिलेक्ट हो गए। फिर यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, डिलीट आप यहाँ से एक्शन भी कर सकते हैं, कमांड भी कर सकते हैं और सेट भी कर सकते हैं, कुछ भी डिलीट करना हो तो यहाँ से आप कर सकते हैं। उसके बाद में आगे हम बात करते हैं कि वो किस तरह से करेंगे, इसके ऊपर रिकॉर्ड वापस स्टार्ट कर रहे हैं और इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे, ब्लेंडिंग ऑप्शन के अंदर आएंगे। अब जब ब्लेंडिंग ऑप्शन के अंदर हम आ गए हैं तो यहां पर हमें ओपासिटी का ऑप्शन मिलेगा, और आराम से आप यहां पर ओपासिटी कम ज्यादा कितनी भी बार करें कोई कमांड यहां पर नहीं आने वाली है। ब्लेंडिंग मोड भी आप यहां से चेंज कर सकते हैं इस तरह से, और जब आपको श्योर हो जाए कि हाँ मुझे ओपासिटी इतनी चाहिए तो उसके बाद में ब्लेंडिंग मोड ये चाहिए, उसके बाद में आप ओके करें, तो एक साथ यहां पर ये कमांड आएगी। इसको फिर मैं वापस स्टॉप कर देता हूँ। एक चीज और मैं यहाँ पर बता दूं कि एक्शन के अंदर खूब सारी चीजें रिकॉर्ड कर सकते हैं आप। मान लीजिए इसके ऊपर मैं वापस क्लिक कर रहा हूँ, अब मुझे एक्शन के अंदर साइज इसकी ट्रांसफॉर्म करनी है फोटो की, तो एक्शन के अंदर Ctrl T मैं करूंगा। Ctrl T करते ही फोटो इस तरह से आप रोटेट भी कर सकते हैं, छोटी भी कर सकते हैं, ये सारी की सारी चीज एक्शन के अंदर यहाँ पर रन हो गई है। फोटो के अंदर दोबारा से इस तरह से करेंगे, देखिए मैंने बैक लिया। अब यहाँ पर ये जो एक्शन है इसको प्ले करते हैं, इस फोटो के ऊपर सारी की सारी कमांड एक साथ में आ गई और फोटो इस तरह से आ गई है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, बैक ले लेता हूं मैं वापस। इसके अंदर मैं आपको एक चीज ये बता रहा हूं कि इसके सामने जो ये बटन है ये किस चीज का है। एक तो ये ऑप्शन किस चीज के लिए है, अगर आप इसको ऑन करेंगे ऑफ करेंगे तो ये कमांड रन नहीं होगा एक्शन के अंदर, इसको स्केप करके आगे वाला आ जाएगा। मान लीजिए इसको ऑफ कर दिया है तो ये जो है क्या करेगा, रन ही नहीं होगा, इसके आगे वाला रन हो जाएगा डायरेक्ट। लेकिन इसका इम्पोर्टेंस ज्यादा है, मान लीजिए कोई सिलेक्शन आपने इस कमांड के अंदर आप यहाँ पर कोई बनाया हो, उसके बाद वाली कमांड के अंदर आपने उस सिलेक्शन को यूज लिया हो तो फिर एरर ही आएगा। तो इसलिए कमांड अगर इम्पोर्टेंट नहीं है तो आप इसको यहाँ पर ऑफ कर सकते हैं या फिर डिलीट भी कर सकते हैं इम्पोर्टेंट नहीं है तो। तो इसको मैं यहाँ पर ऑन कर देता हूँ। नेक्स्ट जो यहाँ पर ऑप्शन है ये है टॉगल डायलॉग बॉक्स का। ये क्या करता है, अगर आप यहाँ पर ऑन रखेंगे तो हर बार हमें ये पूछेगा, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल के अंदर भी बताया था, तो
तो उसके अंदर भी हमें इस तरह से पूछा था इसने कि क्या आप ये सेट करना चाहते हैं, लेवल कितना सेट करना चाहते हैं, कलर बैलेंस कितना चाहते हैं। तो मान लीजिए मैं इसको ऑन रख देता हूँ, इसको ऑन रख देता हूँ, ट्रांसफॉर्म को भी ऑन रख देता हूँ, हू सिचुएशन को ऑन रख देता हूँ, ठीक है। अब एक्शन को मैं यहाँ पर रन कर रहा हूँ, प्ले करूंगा, ये हमें पूछ रहा है कलर बैलेंस। इस तरह से हमें टॉगल डायलॉग बॉक्स जो है वो ऑन रख लेना चाहिए। क्या होता है कि हर फोटो के अंदर तो हम सेम कलर बैलेंस, सेम साइज या ट्रांसफॉर्म नहीं अप्लाई करते, किसी फोटो के हिसाब से ही करते हैं। तो हमें ये टॉगल डायलॉग बॉक्स रखने का फायदा ये होता है कि ऑटोमेटिकली रन होके हमारे सामने इस तरह से आ जाते हैं, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल में बताया था कि आपको कितना करना है। लेकिन सबके अंदर नहीं, जिसके अंदर जरूरत हो उसी के अंदर टॉगल डायलॉग बॉक्स हमें ऑन रखना चाहिए। तो इसको ऑन रखने से मैंने आपको बताया कि इस तरह से यूज में ले सकते हैं। मान लीजिए इस एक्शन को यहाँ पर प्ले कर रहे हैं, ये प्ले किया, एडजस्ट किया इसको, ओके किया, फिर नेक्स्ट आ गया, ऑटोमेटिकली ये पूछ रहा है हमें बार बार, जैसे कि पहले पूछ नहीं रहा था, ये पूछ रहा है कितना रखना है आपको, ओके करेंगे, फिर ये ट्रांसफॉर्म का पूछ रहा है, यहाँ पर ट्रांसफॉर्म आपको कैसे करना है, फिर ओके करेंगे तो एक्शन फिनिश हो जाएगा। तो आप इस तरह से इनको रखें और इनकी आप प्रैक्टिस करें। जैसे कि इतना सा, जैसे मैंने छोटा सा ही एग्जाम्पल लिया है अभी, तो आप खुद वीडियो को यहाँ पर रोक के और खुद इतना सा एक एग्जाम्पल क्रिएट करें। बहुत बड़ा एग्जाम्पल एक साथ आप रन करेंगे तो फिर शायद आप एक्शन को पसंद भी नहीं ना करें, आपको समझ में भी ना आएगा। तो छोटे छोटे एग्जाम्पल लेकर के फिर आप देखें। नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं, देखिए वापस मैं इसको बैक ले लेता हूँ। यहाँ पर एक और एक्शन हम बनाते हैं, एक्शन 1 है ये, एक्शन 2 बनाते हैं। मान लीजिए आपको ऐसा एक्शन बनाना है जिसके अंदर फोटो की साइज छोटी करनी है, तो कैसे करेंगे? तो यहाँ पर एक्शन 2 मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, यहाँ से स्टार्ट करेंगे एक्शन 2, रिकॉर्डिंग चालू हो गई है। हम क्या करेंगे, इमेज मेन्यू के अंदर जाएंगे, इमेज की साइज के अंदर जाएंगे, यहाँ से साइज सेट कर सकते हैं। मान लीजिए आपको विड्थ है वो 1000 पिक्सल चाहिए, ओके करेंगे, ये ओके हो गया, तो इसकी साइज छोटी हो गई और ये एक्शन जो है डिफॉल्ट एक्शन के अंदर यहाँ पर आ गया है, ये देखिए एक्शन 2 नाम से, क्योंकि हमने वो लिया नहीं था। तो इसको आप पकड़ के और अपने वाले संजय फोटो वाले के अंदर इस तरह से भी लेके आ सकते हैं इसको, तो ये हमारा एक्शन यहाँ पर तैयार हो गया है। अब मान लीजिए इस एक्शन को यहाँ पर रन करेंगे एक्शन 2 को, तो क्या होगा, फोटो की साइज ऑटोमेटिकली छोटी हो जाएगी। रन करूंगा, ये छोटी हो गई ऑटोमेटिकली। तो इस तरह से आप एक्शन बना सकते हैं। इसके अलावा और मैं आगे ले रहा हूँ इसके अंदर एक्शन 3, इसके अंदर हम क्या करेंगे, देखिए यहां पर इसके अंदर मैं Ctrl B से कलर बैलेंस कर रहा हूं, ओके कलर बैलेंस हुआ। उसके बाद में मैं Ctrl U से हुई सिचुएशन में भी चेंज कर रहा हूं। उसके बाद में हम क्या करें, बैकग्राउंड लेयर जो है उसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूं और फिर बैकग्राउंड को Ctrl I से इन्वर्स करके यहां पर ब्लैक कर रहा हूं, देखिए ब्लैक कर दिया। फिर लेयर 1 को वापस सिलेक्ट कर रहा हूं, ओपेसिटी इसकी थोड़ी सी कम कर रहा हूं इस तरह से, फिर स्टॉप कर देंगे। अब इस एक्शन 3 को यहाँ से रन करने वाले हैं, बैक ले लेता हूँ पहले। अब इस एक्शन 3 को हम रन करेंगे, प्ले करेंगे, तो यहाँ पर एक्शन रन हो गया है। लेकिन इस एक्शन के अंदर हमने सेट किया था कि सिलेक्ट लेयर 1, सिलेक्ट बैकग्राउंड, यानी कि इस एक्शन के अंदर फोटो के अंदर यहाँ पर बैकग्राउंड भी था और लेयर 1 भी था। ये जरूरी नहीं है कि किसी फोटो के अंदर यहाँ पर लेयर 1 और बैकग्राउंड हो। अब इसी एक्शन को मैं दूसरी फोटो के ऊपर मान लीजिए यहाँ पर रन कर रहा हूँ, फोटो के अंदर इस तरह से कर रहा हूँ कि इन दोनों को यहाँ पर साथ में शिफ्ट के साथ में मर्ज कर देता हूँ, फिल्टर के अंदर जाते हैं, फ्लैटन इमेज कर देता हूँ। अब यही है मेरे पास में, फोटो ओपन किया डायरेक्टली, बैकग्राउंड एक ही लेयर है और इसके ऊपर मैं इसी एक्शन को रन कर रहा हूँ। प्ले करेंगे, नहीं हो रहा है रन, ये क्या कर रहा है, द ऑब्जेक्ट लेयर 1 इज करंटली नॉट अवेलेबल। अब जरूरी तो नहीं है नहीं कि सभी के अंदर लेयर 1 अवेलेबल हो या सभी के अंदर बैकग्राउंड अवेलेबल हो, लेयर 12, लेयर 13, 15, कोई भी लेयर अवेलेबल हो, नहीं है। तो हमें अपना एक्शन इस हिसाब से ही बनाना है कि वो आगे चल के हम जहां कहीं पे भी यूज कर रहे हो तो हमें प्रॉब्लम ना दे वो एक्शन। जैसे कि यहां पर ये एक्शन की प्रॉब्लम आ गई, अगर हमें हमेशा ऐसे लग रहा है कि फोटो के अंदर बैकग्राउंड तो होगा ही, उसको सिलेक्शन करने में कोई दिक्कत नहीं है, तो आप यूज में ले सकते हैं, लेयर 1 होगा ही तो कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे कि मैं दूसरा एक्शन बना रहा हूं सेम इसी चीज के लिए, एक्शन 4 हम बनाएंगे यहां पर, संजय फोटो वर्ल्ड के अंदर रिकॉर्ड कर रहे हैं, ओके। तो आगे क्या हो रहा है, देखिए यहां पर लेयर 1 है। अब मैं एक्शन के अंदर Ctrl B, Ctrl U, ये सब यूज में ले रहा हूं। अब मैं क्या रहा हूं, लेयर 1 है उसको Ctrl J से डुप्लीकेट बना रहा हूं, यहां पर लेयर का नाम दे रहा हूं My Layer 1, फिर एक Ctrl J से और लेयर बना रहा हूं, इसका नाम दे रहा हूं यहां पर
फोटो, फिर यहां पे क्या कर रहा हूं, लेयर वन को मैं सिलेक्ट कर रहा हूं, ओके करेंगे, या फिर कभी फोटो को मैं सिलेक्ट कर देता हूं, ओके करेंगे, लेयर इसको भी सिलेक्ट करके ओके कर रहा हूं। अब इनको क्या कर? वापस मैं बैक ले लेता हूं, स्टॉप कर देता हूं यहां से, वापस फोटो को बैक ले लेता हूं। अब इस एक्शन को हम रन करेंगे, एक्शन फोर है, रन करेंगे, प्ले, सब कुछ रन हो गया। यहां पर लेयर थे दूसरे, फोटो, माई लेयर वन, इनको भी सिलेक्ट कर लिया और रन हो गया। ये किस कैसे हुआ? ये इस ऐसे हुआ क्योंकि हमने एक्शन के अंदर वो चीज यहां पर सेट कर दी थी कि लेयर वन है उसका डुप्लीकेट बनना चाहिए, फिर उसका ये रीमेन नेम होना चाहिए, तो वहां पर उस नाम से लेयर होगा तब ये सिलेक्ट कर लेगा, फोटो को भी सिलेक्ट कर लेगा, क्योंकि ये भी हमने उस एक्शन के अंदर ही बनाया था और उसको फिर रीनेम किया था। एक्शन को पता है कि यहां पर ये नाम से लेयर है, तो उसने बनाया भी और सिलेक्ट भी कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि अगर लेयर ऑलरेडी हमारे डॉक्यूमेंट में है या हमने क्रिएट किया है, दोनों ही कंडीशन के अंदर हमारा जो एक्शन है लेयर को सिलेक्ट करेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब इसी तरह से आप देख लीजिए, मान लीजिए इसको मैं वापस बैक ले लेता हूं। अब देखिए एक और एक्शन हम यहां पर बनाते हैं, और यहां से मैं क्या कर रहा हूं, न्यू ले रहा हूं, 5 नंबर एक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग चल रही है, कंट्रोल बी से मान लीजिए मैं कुछ इस तरह से बैलेंस कर रहा हूं, ओके कर रहा हूं। अब हम क्या करें, स्टॉप कर दिया, और मान लीजिए यहां पर इस तरह का कोई सिलेक्शन बना दिया, और सिलेक्शन के ऊपर मैं चाहता हूं यहां पर रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया वापस, और फिर इतनी सी दूर के अंदर कुछ इस तरह से करेक्शन होना चाहिए, ओके कर दिया, स्टॉप कर दिया। अब क्या होगा, देखिए बैक, एक्शन 5 को मैं रन करूंगा, प्ले, कुछ नहीं हो रहा है, कलर बैलेंस दो बार आ रहा है, हो रहा है, लेकिन सिलेक्शन जो हमने किया था वो नहीं आ रहा है, क्योंकि रिकॉर्डिंग के अंदर सिलेक्शन हमने किया ही नहीं था। इसलिए रिकॉर्डिंग के अंदर जो हम चीजें करेंगे वही आएगी, दूसरी नहीं आएगी। इसका एक दूसरा सॉल्यूशन भी है, वो मैं आपको बताऊंगा बाद में। आगे हम चलते हैं, यहां पर एक छोटा सा बटन आपको दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर जाएंगे तो बटन मोड, बटन मोड के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे, ये देखिए एक्शन जो हमने बनाया था रेड दिया था, इसके अंदर बटन का कलर और F12 है, जिनके अंदर कलर नहीं दिया हुआ सीधे ऐसे ही नजर आ रहे हैं, तो बटन मोड के अंदर आपको सीधे ऐसे बटन नजर आएंगे। यहां पर वापस बटन मोड को आप ऑफ कर सकते हैं। इसके बाद में आगे यहां पर देखिए ऑप्शन है न्यू एक्शन, जो मैंने आपको बता दिया, यहां से न्यू एक्शन क्रिएट कर सकते हैं, न्यू सेट, यहां से न्यू सेट, डुप्लीकेट, किसी भी कमांड का, एक्शन का या सेट का यहां से आप डुप्लीकेट बना सकते हैं। जैसे कि इसका बनाएंगे तो एक्शन 5 का डुप्लीकेट हो गया, एक्शन 5 की कॉपी आगे कंट्रोल जेड से वापस बैक ले लिया। डिलीट, यहां पर डिलीट बटन है, और प्ले, यहां पर प्ले बटन है, ये सेम ही ऑप्शन है। यहां पर नीचे वापस चलते हैं, क्लोज करने के है, और यहां पर ये जो एक्शन है बाय डिफॉल्ट है, यहां से लेकर के यहां तक ये मेरा खुद का यहां पर बनाया हुआ एक्शन है, जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में दिखाया था वही है। और यहां पर जो ये एक्शन है खूब सारे, ये एक्शन बाय डिफॉल्ट आए हैं, तो आप इनको यूज में ले सकते हैं, फोटोशॉप के बाय डिफॉल्ट एक्शन है। यहां पर जो ऑप्शन है ये सेव कर सकते हैं आपका खुद का बनाया हुआ एक्शन, अभी सेव ऑन नहीं है, क्यों? क्योंकि एक्शन नहीं, सेट को सेव कर सकते हैं, ये सेट है, इसको अगर आपको सेव करना है तो यहां पर ये देखिए सेव का ऑप्शन यहां पर हाईलाइट होगा, तो यहां से आप सेव कर सकते हैं, यहां से आप रिप्लेस कर सकते हैं, और यहां से आप लोड कर सकते हैं। अगर आपने सेव किया है पहले से, उसको लोड कर लें अपने फोटोशॉप में, या फिर नेट से डाउनलोड किया है तो उसको भी लोड कर लें। रीसेट एक्शन से क्या होगा, बाय डिफॉल्ट जो सेटिंग है वो रीसेट हो जाएगी, क्लियर ऑल एक्शन से यहां पर सब एक्शन क्लियर हो जाएंगे। अब यहां पर आते हैं, यहां पर जो तीन ऑप्शन है, इनमें एक ऑप्शन है अलाउ टूल रिकॉर्डिंग का। अलाउ टूल रिकॉर्डिंग अगर आप यूज में लेंगे तो यहां पर टूल को रिकॉर्ड करेगा। अब जैसे कि मैं इसको ऑफ कर देता हूं, और एक्शन हम 6 बनाते हैं यहां पर, एक्शन 6, ओके, रिकॉर्डिंग स्टार्ट है, मैं यहां पर न्यू लेयर ले रहा हूं, ये न्यू लेयर ले लिया एक्शन के अंदर, फिल कर दिया कोई भी मान लीजिए बैकग्राउंड कलर, ओके फिल कर दिया। अब मैं यहां से ब्रश टूल को सिलेक्ट कर रहे हैं, ये ब्रश टूल सिलेक्ट किया, ब्रश टूल का कलर हम यहां से सिलेक्ट कर लेते हैं। अब देखिए सब कुछ अभी तक यहां पर आ रहा है, लेकिन मैं टूल को जैसे यहां पर यूज करूंगा तो एक्शन के अंदर रिकॉर्ड नहीं हो रहा है, तो आप टूल को यहां से अलाउ टूल रिकॉर्डिंग ऑप्शन ऑन रखेंगे तो टूल रिकॉर्ड होगा, जैसे कि यहां पर इस तरह से यूज ब्रश टूल आ गया यहां पर इस तरह से। अभी देखिए मोड यहां पर सॉफ्ट लाइट है, मैं नॉर्मल इसको कर देता हूं, ओपेसिटी 100% करूंगा, तब यहां पर आपको दिखाई देगा। तो इस तरह से आपने जो भी किया है वो इसके अंदर रिकॉर्ड हो रहा है, तो ये जो भी आप इस तरह से काम करेंगे तो ये इसका अंदर रिकॉर्ड होता जाएगा।
फिर स्टॉप करेंगे तो एक्शन 6 है, इसको आप वापस रन करेंगे तो क्या होगा, प्ले, नया एक्शन बनेगा और टूल रिकॉर्डिंग से रिकॉर्ड हो गया ऑटोमेटिकली, यहाँ पर रन भी हो गया। तो टूल रिकॉर्डिंग यहाँ से आपको अलाउ करनी पड़ेगी, इन लेयर्स को मैं वापस डिलीट कर देता हूँ। आगे चलते हैं प्ले बैक ऑप्शन और एक्शन ऑप्शन, एक्शन ऑप्शन देखते हैं। एक्शन ऑप्शन के ऊपर यानी जो भी एक्शन के ऊपर क्लिक किया होगा उस एक्शन से रिलेटेड ऑप्शन होंगे कि आपको एक्शन का नाम चेंज करना है तो यहाँ से कर सकते हैं, सेट के अंदर दूसरे के अंदर लेके जाना हो तो भी आप इसके अंदर चेंज कर सकते हैं। फंक्शन की नहीं, फंक्शन की आप यहाँ से सेट कर सकते हैं, आप शॉर्टकट की कौन सी देना चाहते हैं वो सेट कर सकते हैं, और कलर जो भी आप कलर देना चाहते हैं वो यहाँ से बटन का कलर दे सकते हैं बाद में भी। इसके अलावा अगर आपने यहाँ पर कर रखा है सेट के ऊपर क्लिक तो यहाँ पर सेट ऑप्शन आ जाएगा, सेट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे सेट का रीनेम कर सकते हैं, रीनेम आप यहाँ पर डबल क्लिक करके भी कर सकते हैं इस तरह से, कोई भी एक्शन का भी नाम के ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो वैसे ही आ जाएगा। उसके बाद में आगे चलते हैं प्लेबैक ऑप्शन, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही यहाँ पर तीन ऑप्शन आ रहे हैं। ये क्या कर रहा है कि एक्सेलरेटेड यानी कि कंटिन्यू सारे के सारे एक्शन रन होने चाहिए, कमांड रन होने चाहिए एक के बाद एक, तो ये ऑप्शन ऑन रखना है आपको। स्टेप बाय स्टेप चाहिए यानी कि आपको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप दिखाता जाएगा कि एक स्टेप आया दूसरा स्टेप आया यहाँ पर, और ये ऑप्शन रखेंगे तो प्रत्येक कमांड के लिए यहाँ पर सेकंड सेट कर सकते हैं, यानी कि 5 सेकंड सेट कर दिया तो हर कमांड में आपको वेट करना पड़ेगा 5 सेकंड का, आराम से वो कमांड आप देख सकते हैं तो एक्सेलरेटेड से फटाफट हो जाएंगे वन एक के बाद एक, तो इनको आप यूज़ में ले सकते हैं। अभी हमने 6 एक्शन बनाए हैं, आप 6 की बजाय 30-40 इस तरह से छोटे छोटे एक्शन बनाएं और उनकी प्रैक्टिस करें, उसके बाद में आप नेक्स्ट वीडियो देखें। ये जो यहाँ पर बचे हुए हैं कुछ ऑप्शंस है वो स्टार्ट रिकॉर्डिंग से, तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट होगी, रिकॉर्ड अगेन से हम वापस यहाँ पर रिकॉर्डिंग जैसे स्टार्ट करते हैं तो वो होगा, और बाकी जो यहाँ पर बचे हुए ऑप्शन है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। आप एक्शन के वीडियो कंटिन्यू देखिए, 2-3 वीडियोज़ के अंदर हम एक्शन अच्छी तरह से सीखेंगे। आज के इस वीडियो के अंदर जो मैंने छोटे छोटे एक्शन बना करके बताए हैं, जो प्रॉब्लम बताई आप खुद बनाएंगे, आपके प्रॉब्लम खुद के आगे सामने आएगी तब आप इनको अच्छे से सीख पाएंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर भी हम बात करेंगे एक्शन के बारे में, और जो एक्शन का है मैंने एग्जाम्पल आपको दिखाया था स्टार्टिंग में, ठीक वैसा एग्जाम्पल और खूब सारे अलग एग्जाम्पल हम बनाने की कोशिश करेंगे किस तरह से हम बना सकते हैं एक्शन की मदद से, तो आप नेक्स्ट वीडियो भी जरूर देखें। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को लाइक करें अगर आपको अच्छा लगा तो, दोस्तों चैनल को आप सब्सक्राइब करें ताकि जो भी मैं नए वीडियोस डालूंगा उनका अपडेट तुरंत आपको मिलेगा, और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि आपके दोस्त भी फोटोशॉप सीख पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर बेसिक फोटोशॉप के, जिसके अंदर बात करेंगे हम एक्शन के बारे में। थैंक यू।